राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम पेपर टू की यूनिट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम काइंड्स एंड कलेक्शन ऑफ डाटा यानी डाटा के प्रकार और उसके संग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो डाटा यानी जो हमारे आंकड़े होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसकी एकत्रीकरण की कुछ विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सांख्यिकी अनुसंधान में आंकड़े या समंक आधारशिला का कार्य करते हैं, इसलिए आंकड़ों का एकत्रीकरण पूर्ण कुशलता, योग्यता एवं शुद्धता से करना चाहिए, क्योंकि यदि इस कार्य में कोई कमी रह गई तो निष्कर्ष भ्रमपूर्ण एवं अविश्वसनीय होंगे। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं यानी कि आंकड़ों को एकत्र करते हैं। तो क्योंकि हम सबसे पहले आंकड़ों को एकत्र करते हैं तो हमें उसे पूर्ण शुद्धता से ही एकत्र करना होता है, क्योंकि यदि हम उसे शुद्धता से एकत्र नहीं करेंगे तो जो हम उनके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे तो वो भी हमारे अविश्वसनीय होंगे, क्योंकि जब हमारे आंकड़े ही शुद्ध नहीं होंगे तो उसके निष्कर्ष शुद्ध कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए हमें आंकड़ों का जो कलेक्शन होता है उसे बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। डॉक्टर पावले ने आंकड़ों के एकत्रीकरण में सावधानी एवं विवेक को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए लिखा है कि आंकड़ों के एकत्रीकरण में सामान्य विवेक की प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव मुख्य शिक्षक है, यानी कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं उनमें अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ डाटा यानी कि आंकड़ों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारे आंकड़े होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्राथमिक आंकड़े या समंक यानी कि प्राइमरी डाटा। प्राथमिक आंकड़ों से आशय उन आंकड़ों से है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं। यानी कि देखिए, ये हमारे प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। मान लीजिए हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी अनुसंधान कर रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड जो फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार जो आंकड़े एकत्रित करते हैं वो ही हमारे प्राथमिक आंकड़े होते हैं। यानी कि हम कोई भी काम करें तो उसके आधार पर हम जाके आंकड़े एकत्रित करें फर्स्ट टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े। अब ये हमारे द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। द्वितीयक आंकड़े से आशय ऐसे आंकड़ों से है जिनका एकत्रीकरण किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा हो चुका है और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। देखिए, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जिनका कोई भी अनुसंधानकर्ता पहले से उनका एकत्रीकरण कर चुका है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम उनको यूज़ कर रहे हैं, हम उनका एकत्रीकरण नहीं कर रहे, वो क्या होते हैं, हमारे द्वितीयक आंकड़े होते हैं। देखिए, इनमें डिफरेंस दिया हुआ है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर होता है, तो आइए हम इनमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं। प्राथमिक आंकड़े मौलिक जबकि द्वितीय आंकड़े पूर्व निर्मित होते हैं। देखिए, जो हमारे प्राथमिक आंकड़े होते हैं ये मौलिक होते हैं यानी कि इन्हें हम फर्स्ट टाइम एकत्रित करते हैं, लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं ये पहले से ही बने हुए होते हैं, पहले से एकत्रित होते हैं, हम इन्हें सिर्फ यूज़ करते हैं, हम इन्हें एकत्रित नहीं करते। प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा जबकि द्वितीयक आंकड़े पूर्व शोध द्वारा संकलित होते हैं। यानी कि जो हमारे प्राथमिक आंकड़े होते हैं उन्हें कौन संकलित करता है, उन्हें अनुसंधानकर्ता खुद, जो अनुसंधानकर्ता होता है यानी कि जो रिसर्च कर रहा है वो संकलित करता है, लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो पूर्व शोध द्वारा संकलित होते हैं, यानी कि वो पहले किसी रिसर्च के लिए संकलित किए गए हुए होते हैं। यानी कि जो पहले रिसर्च हुई है, पहले कोई रिसर्च हुई होगी तो उसके लिए जो डाटा कलेक्ट किया गया वो होते हैं हमारे द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े के संकलन में समय, धन व श्रम की आवश्यकता अधिक जबकि द्वितीयक आंकड़ों में कम होती है, क्योंकि हमारे प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं उन्हें एकत्रित करना होता है तो उसमें हमें हमारा समय भी ज़्यादा लगता है, धन भी और श्रम भी, सबकी आवश्यकता होती है। लेकिन द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, वो ऑलरेडी कलेक्ट होते हैं, पहले से ही कलेक्ट होते हैं, तो उन्हें हमें कलेक्ट नहीं करना पड़ता, तो इसलिए हमें ना समय की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, धन और श्रम, इसमें सबकी बचत होती है। प्राथमिक आंकड़े उद्देश्य हेतु पूर्णतः उपयुक्त होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े में संशोधन की आवश्यकता होती है। देखिए, जो हमारे प्राथमिक आंकड़े होते हैं ये पूर्णतः उपयुक्त इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें हम स्पेशल अपनी रिसर्च के लिए ही
इकट्ठे कर रहे हैं स्पेशल, मतलब अपने जो काम है, हमारे जो रिसर्च है उसके लिए ही उनको एकत्र कर रहे हैं, तो ये पूर्णतः उपयुक्त होते हैं। लेकिन जो हमारे द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो पहले किसी रिसर्च के लिए एकत्रित होते हैं, यानी कि उनको पहले किसी रिसर्च के लिए हमने इकट्ठा कर रखा है, तो उनमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी रिसर्च के लिए थोड़ा बहुत संशोधन करना पड़ता है कि उनमें सुधार करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले रिसर्च के लिए एकत्र होते हैं। तो अब की बार जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए वो 100% ठीक नहीं होते, तो उनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के मध्य केवल मात्रा का ही अंतर है, क्योंकि एक ही समंक एक स्थान पर प्राथमिक हो सकते हैं और दूसरे स्थान पर द्वितीयक बन सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने फर्स्ट टाइम उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए तो वो प्राथमिक है, और फिर वही जो हमने डाटा कलेक्ट कर रखा है वही डाटा कोई और अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करेगा तो वो द्वितीयक आंकड़े बन जाएंगे। देखिए आंकड़ों के एकत्रीकरण की कुछ विधियाँ, जो हमारे डाटा कलेक्शन होते हैं इनकी विधियाँ क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं। तो ये जो मेथड्स होते हैं ये हमारे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी डाटा होता है वो तो ऑलरेडी कलेक्ट होता है, द्वितीयक आंकड़े तो वो पहले से ही कलेक्ट होते हैं। तो ये हमारी जो विधियाँ हैं ये प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियाँ होती हैं। तो इनकी जो है मुख्यतः 6 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिए, स्टार्ट करते हैं। अप्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, जो अनुसंधान करता है होता है वो अनुसंधान क्षेत्र में तो जाता है, लेकिन डायरेक्ट जो सूचक होते हैं उनसे सूचना प्राप्त नहीं करता, बल्कि उनके स्थान पर जो उनके जानकार होते हैं, उनके रिलेशन वाले होते हैं, उनसे सूचना प्राप्त करता है। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र में सूचकों के स्थान पर उनके कार्य के साक्षियों से सूचना प्राप्त करते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में हम रिसर्च कर रहे हैं उनके वर्कर्स पे, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट वर्कर्स से ना पूछकर उनके जो कोवर्कर होते हैं उनसे हम डाटा कलेक्ट करें कि वो वर्कर कैसा है या वो किस टाइम आता है, तो हम किसी दूसरे वर्कर से पूछ रहे हैं उसके बारे में, तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान। नेक्स्ट देखिए प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान, इसके अंतर्गत क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर समंक प्राप्त करता है। यानी कि हम अप्रत्यक्ष में क्या कर रहे थे, किसी कोवर्कर से हम पूछ रहे थे किसी वर्कर के बारे में, उसके उसकी हम मतलब डाटा कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम उसी व्यक्ति से पूछेंगे, हम जिसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम उसी व्यक्ति से जाकर पूछेंगे। लापले द्वारा पारिवारिक बजटों का अध्ययन, आर्थर यंग द्वारा कृषि उत्पादन का अध्ययन व 1909 में राउंडरी द्वारा किए गए अनुसंधान इसी रीति पर आधारित थे अनुसंधान। नेक्स्ट देखिए स्थानीय साधनों द्वारा प्राप्त अनुमान, इसके अंतर्गत स्थानीय व्यक्तियों, एजेंसियों, पत्र प्रतिनिधियों व संवाददाताओं से अनुसंधान के लिए आवश्यक अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि हमें जो स्थानीय साधन होते हैं उनसे जो हमें अनुमान प्राप्त होते हैं वो हम अपने अनुसंधान में यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानीय साधनों द्वारा प्राप्त अनुमान। नेक्स्ट देखिए सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर अनुसंधान, इसके अंतर्गत अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार करके सूचना देने वालों को भेजी जाती है जिसे वे भरकर वापस भेज देते हैं। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि हम एक प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उन जो सूचना देने वाले होते हैं हम उनको भेज देते हैं जिसे वो भरकर वापस हमें भेज देते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन पद्धति द्वारा अनुसंधान, इसके अंतर्गत किसी घटना विशेष के घटित होते ही उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी जाती है। उदाहरण के लिए भारत में जन्म एवं मरण सूचना का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और इसी आधार पर जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े एकत्र होते रहते हैं। आपको भी पता होगा जब हम मान लीजिए किसी का जन्म होता है तो हम एक कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो इसका, तो हम उसका क्या करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो जितने भी हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं उनका सबका रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस साल इतने बच्चों ने जन्म लिया, या फिर मतलब डेथ सर्टिफिकेट भी मिलते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है कि इस साल मतलब इतने लोग मरे हैं, तो ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसी से क्या होता है हमारे जो आंकड़े होते हैं वो एकत्र होते रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन पद्धति द्वारा अनुसंधान।
नेक्स्ट है संगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर अनुसंधान। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत तैयार प्रश्नों की अनुसूची को संगणक सूचकों से सूचना पूछकर भरते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो अनुसंधानकर्ता होता है वो खुद नहीं जाता, वो क्या करता है अपने कुछ संगणक होते हैं उनको भेज देता है और क्या करता है उसको साथ में प्रश्नों की सूची दे देता है कि भाई जाओ और ये प्रश्नों की सूची है, ये पूछकर उनसे जो सूचना देने वाले हैं सूचक हैं उनसे पूछ कर भरनी होती है। तो ये संगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर अनुसंधान होता है। देखिए अब क्या होता है कि जो हमारी ये थी हमारी प्राइमरी डाटा के कलेक्शन के मेथड्स। देखिए द्वितीयक समंकों के संकलन की विधियां, यानी कि अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। अनुसंधानकर्ता द्वितीयक आंकड़ों को मुख्यतः दो रूपों में प्राप्त करता है, सबसे पहले तो प्रकाशित रूप में और दूसरा है अप्रकाशित रूप में। अप्रकाशित और प्रकाशित रूप में कैसे हो गया, मान लीजिए कि किसी ने डाटा अपना कलेक्ट किया और उसको किसी चीज़ में छपवा दिया तो वो क्या हो गया प्रकाशित रूप में। लेकिन अप्रकाशित रूप में जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई रिकॉर्ड्स हैं हमारे, वो हम अपने रजिस्टर में नोट करके रखते हैं लेकिन हमने उसी को छपवाया नहीं है, हम उनके रजिस्टर में से ही उनको ले रहे हैं तो वो क्या हो गया अप्रकाशित रूप में हो गया। तो इनके मुख्य स्रोत देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, केंद्रीय या राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना, नगर पालिका या जिला बोर्ड से प्राप्त सूचना, सरकारी आयोग व समितियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, श्रम संघ, वाणिज्य परिषद व अन्य व्यापारिक संस्थानों से प्राप्त सूचना, विश्वविद्यालय अनुसंधान शाला व अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से प्राप्त सूचना, वैज्ञानिक व अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से प्राप्त सूचना, पत्र पत्रिका व मंडी विवरण से प्राप्त सूचना, अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा संकलित सामग्री, यानी कि जो भी मतलब ये सब सूचना एकत्रित करके और यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाती है हमारी सेकेंडरी डाटा हो जाता है। अब देखिए द्वितीयक आंकड़ों के संकलन में हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो क्या होती हैं। यद्यपि द्वितीयक आंकड़ों का एकत्रीकरण सरल एवं कम खर्चीला होता है किंतु इनके प्रयोग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। बावले के अनुसार प्रकाशित समंकों को उनका अर्थ व उनकी परिसीमाएं ज्ञात किए बिना उसी रूप में मान लेना कभी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था पहले भी कि जो पहले से जो डाटा होते हैं जो कलेक्ट कर रखे होते हैं वो किसी और रिसर्च के लिए होते हैं, वो हमारी रिसर्च के लिए नहीं होते। तो अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हमें अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बनाना होगा तभी हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हम पहले से किसी भी कलेक्ट डाटा को अपने रिसर्च में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें हमें कुछ ना कुछ उनमें संशोधन करना पड़ेगा तभी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं उसको। क्रक्सटन व काउडन के अनुसार यह दुख की बात है कि बहुत से व्यक्तियों में सांख्यिकी सामग्री को निर्विरोध स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनके लिए संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत कोई भी तथ्य सही है व उसकी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। क्रक्सटन व काउडन क्या कह रहे हैं कि जो बहुत से व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं सांख्यिकी जो सामग्री होती है उनको ऐसे के ऐसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी पहले से जो कलेक्ट डाटा होते हैं अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो उनको हमें संशोधित ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रिसर्च के लिए नहीं बने, वो किसी और रिसर्च के लिए बने होते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।